नहीं है। तो नहीं है, ये बताओ लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल जो जिसका वैल्यू एक फिक्स पॉइंट के लिए रहता है, और ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो सभी जगह यूज किए जा सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं जो हर एक फंक्शन में एक्सेस होते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं विद इन अ फंक्शन एक्सेस होते हैं। ठीक, मतलब फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो किसी भी फंक्शन में एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है शिवराम, शिवराम ये बताओ कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? हाँ कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू कल मैंने बताया था। नहीं पता, तुम नहीं पढ़े नहीं थे क्या कल? ऐसे मतलब हमें लगता है तुम ऐसे रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ के चले जाते हो, है ना? कल का याद नहीं है? सुशील, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय, अच्छा सुशील, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? सुशील यस सर, हेलो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता सर। है? कॉल बाय वैल्यू में हम सीधा वैल्यू इनपुट करते हैं किसी किसी वेरिएबल का फंक्शन के लिए, और कॉल बाय रेफरेंस में उस जो भी वैल्यू होता है उसका एड्रेस दिया जाता है सर वेरिएबल का। कॉल बाय वैल्यू में हम वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं फंक्शन में, जबकि जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल का एड्रेस पास वेरिएबल करते हैं का फंक्शन एड्रेस में। पास ठीक करते हैं, है, इनपुट नहीं देते हैं, पास करते हैं। क्या पास करते हैं? करते हैं। पास करते हैं। ठीक है, यस ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने कल कुछ आर्ग्यूमेंट देखे थे, स्क्रीन प्रेजेंट कर लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आर्गुमेंट किस टाइप के होते हैं, मतलब आर्गुमेंट की कैटेगरी क्या क्या होती है। कल एक एक कैटेगरी हम लोगों ने देखा था, कैसा है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये क्या था एग्जैक्टली? हम किस तरीके से वेरिएबल को पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट के टाइप नहीं थे, आर्गुमेंट को किस तरीके से पास कर रहे हैं वो था। अब आर्गुमेंट कितने टाइप का होता है वो आज हम लोग देखेंगे। बेसिकली आर्गुमेंट पाइथन में चार तरीके के आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक, तो एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया है, सपोज हमने लिखा डेफ प्रिंट मी नाम का एक फंक्शन लिखा, और अगर यहाँ पर हम कोई वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो हम एक वेरिएबल यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब हमने इस प्रिंट मी नाम के फंक्शन को कॉल किया तो हम यहाँ पर टू पास कर रहे हैं। तो ये जो टू पास कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। ये जो एक्स क्या हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, टू नहीं, एक्स, एक्स क्या हो गया, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट हो गया, कि मतलब एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए।
मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक्स रिक्वायर्ड होगा, फंक्शन कॉलिंग के समय एक्स रिक्वायर्ड होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। इसी तरीके से एक और होता है पोजिशनल आर्गुमेंट। क्या होता है पोजिशनल आर्गुमेंट? पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है देखते हैं। सपोज हमने लिखा डेफ वन, दो वेरिएबल हम इसमें रिसीव कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई, प्रिंट सिंपली हम एक्स वाई प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे फंक्शन में, ठीक। और यहाँ पर फन को कॉल कर ले रहे हैं, यहाँ पर 2,3 पास कर दे रहे हैं, ठीक। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, एक एक्स एक वाई। तो यहाँ हम जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से 2 पास कर रहे हैं और 3 पास कर रहे हैं। तो ये जो 2 और 3 है वो ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 जो है जाके y में रिसीव हो जाए, 3 x में रिसीव हो जाए, ठीक है, इन जनरल। तो ये क्या होता है पोजिशनल, पोजिशन फिक्स होती है, जो आर्गुमेंट होते हैं उनकी पोजिशन फिक्स होती है। 2 सेंड किया है तो पहले आर्गुमेंट में रिसीव हो जाएगा, सेकंड क्या है 3 तो यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट में रिसीव होगा। तो ये क्या होता है पोजिशन होती है, पोजिशनल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब इनकी पोजिशन फिक्स है, तो पहला आर्गुमेंट इसमें रिसीव होगा, दूसरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट हो गए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये पोजिशन फिक्स ना हो, कि अगर हम चाहते हैं 3 को x में रिसीव कर, दिया गया कीवर्ड आर्गुमेंट, यहाँ पर हम कीवर्ड यूज करेंगे, डायरेक्टली कीवर्ड यूज करेंगे आर्गुमेंट पासिंग के लिए, पैरामीटर पासिंग के लिए, ठीक है। जैसे हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है फन, और उसमें रिसीव किया है एक पैरामीटर नेम, और दूसरा पैरामीटर क्या है एज है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बस प्रिंट कर रहे हैं, नेम और एज दोनों चीजें प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, जब हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, देखो हमने लिखा फन, अब यहाँ पर नेम वाइज हम पैरामीटर पास करेंगे। जैसे इस आर्गुमेंट का नाम एज है तो यहाँ पर एज लिखेंगे और यहाँ पर 23 इक्वल्स टू 23 पास कर देंगे। फिर उसके बाद इस वेरिएबल का नाम क्या है, इस आर्गुमेंट का नाम क्या है नेम, तो यहाँ से नेम लिखेंगे और यहाँ पर राहुल पास करेंगे। तो अब क्योंकि हमने कीवर्ड यूज किया है, डायरेक्टली नेम यूज कर लिया आर्गुमेंट का, तो अब यहाँ पर पोजिशन मैटर नहीं करेगी, यहाँ पर पोजिशन मैटर नहीं करेगी। अब एज जाएगा तो एज में ही रिसीव होगा, भले ही ये फर्स्ट नंबर पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, कहीं पर भी हो, तो ये एज एज में रिसीव होगा, नेम नेम में रिसीव होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। इसको रन कराते देखते हैं, तो पहले प्रिंट होना चाहिए नेम, फिर उसके बाद एज। तो नेम पहले प्रिंट हुआ है यहाँ पर राहुल, और फिर एज 23। अब इसी को अगर हम यहाँ पर ये कीवर्ड नेम, नेम की जगह एज प्रिंट हो जाएगी और एज की जगह नेम प्रिंट हो जाएगा, देखो पहले 23 प्रिंट हो गया और फिर राहुल प्रिंट हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर नेम दे दे रहे हैं और यहाँ पर एज दे दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो नेम, नेम में क्योंकि हमने यहाँ 23 डाला था, तो अब नेम में 23 क्या होगा, एज में एक्स वाई जेड डाला, तो यहाँ पर एज में एक्स वाई जेड डाला। मतलब यहाँ पर जो भी हम कीवर्ड आर्गुमेंट नेम यूज करेंगे जिस नाम से हमने यहाँ पर सेंड किया उसी नाम, सबसे पहला हमने देखा था क्या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर डिफाइन किया है तो यहाँ से हमें पैरामीटर सेंड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड हो गया, इसको चाहिए ही, चेन कॉल करते समय चाहिए ही। यहाँ पर भी सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर मान लो बहुत सारे पैरामीटर हो गए, जैसे ए बी कुछ भी इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर हो गए, तो हमें सबका नाम याद रखना, सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, और फंक्शन कॉलिंग करते समय हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये सीक्वेंस है फंक्शन रिसीव में, ये सीक्वेंस है, तो यहाँ पर सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो उसके लिए हमने क्या यूज किया है कीवर्ड आर्गुमेंट। ऐसा अगर ऐसी दिक्कतें ना आए तो उसके लिए हमने कीवर्ड आर्गुमेंट यूज किया है। तो यहाँ पर जब भी फंक्शन कॉलिंग करेंगे ए लिखेंगे, ए इक्वल्स टू 2, फिर एस इक्वल्स टू कुछ या डी इक्वल्स टू कुछ, इस तरीके से हम लोग लिखते चले जाए, ठीक। इस वजह से हमने यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट यूज किया। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अच्छा इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं उनको देख लेते हैं। इनका आउटपुट आप ही लोग बताइएगा,
खैर ये एग्जाम्पल नहीं है एग्जैक्टली, ये मिक्सचर है इसको हमें ही बताना पड़ेगा। हम कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट दोनों को मिक्स करके भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट दोनों को मिक्स करके भी पास कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट मी वाई str1 और आई, तीन पैरामीटर हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, तीन पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उन तीन पैरामीटर को प्रिंट कर दे रहे हैं बस, और फिर रिटर्न कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग के समय हमने पहले लिखा टू, अब देखो इसको कोई नाम से हमने वाई इक्वल्स टू टू नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट क्या लिखा टू, तो टू जाएगा किस में रिसीव हो जाएगा, पहले आर्गुमेंट में रिसीव हो जाएगा, भले हमने नाम नहीं दिया है। नाम नहीं दिया है तो उस केस में वाई पोजिशनल आर्गुमेंट ही होगा, नाम नहीं दिया है तो पहली पोजिशन पे जो कुछ भी होगा उसमें रिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यूज किया हुआ है क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट, यहाँ पर नाम दिया हुआ है आई, आई में जे पास किया, तो यहाँ पर जो जहां पर भी आई होगा, देखो यहाँ आई है तो यहाँ पर जे रिसीव हो जाएगा, और फिर यहाँ पर str1, str1 में हमने हाई भेजा है तो हाई किस में चला जाएगा, इसमें रिसीव हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमने वैल्यू प्रिंट कर दी, तो प्रिंट क्या होगा, वाई में क्या गया होगा टू, str1 में क्या गया होगा हाई, आई में क्या गया होगा जे। तो इसको रन कराते हैं, यही सीक्वेंस प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर टू हाई जे, ठीक उस तरीके से होता है। एक चीज और करके देखते हैं हम लोग, सपोज पर पास कर रहे हैं, टू यहाँ पर पास कर रहे हैं, कीवर्ड इधर लिख दिए और यहाँ पर वो लिख दिया, ठीक है पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक। टू को इस बार हम सबसे लास्ट में यूज कर रहे हैं, अब इसको रन कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो एक एरर आई है, और एरर को पढ़ के समझेंगे हम लोग, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पर एरर ये है कि आर्गुमेंट आ रहे हैं और फिर पोजिशनल आर्गुमेंट आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना है आपको, पहले आएंगे पोजिशनल आर्गुमेंट फिर उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट आएंगे, ऐसा नहीं होगा पहले हम पोजिशनल यूज कर लेंगे बाद में कीवर्ड यूज करेंगे। ऐसा हम लोग इनफो और फिर नेम, नेम में हमेशा हर बार हमें कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा, सपोज हमने पहले भेज दिया राहुल, एज में सपोज 30, और फिर सेक्शन में ए, ठीक ए सेक्शन, ठीक। जब ये यहाँ पर जाएगा तो इसमें रिसीव होगा नेम, राहुल नेम में रिसीव हो जाएगा, 30 एज में और ए सेक्शन में, लेकिन अगर एक सेक्शन में 100 बच्चे हैं तो सबकी ये चीज कॉमन होगी, तो बार बार हमको ये भी सेंड करना पड़ेगा, बार बार ये सेक्शन हमें सेंड करना पड़ेगा किसमें, फंक्शन में, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा बार बार हो कि हम बार बार यहाँ पर सेक्शन में ए भेजें, क्योंकि तो सारे बच्चे यही सेक्शन के, तो बार बार हम ये नहीं सेंड करना चाहते हैं, तो हम इस सेक्शन की एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे, क्या ए सेट कर दिया सपोज। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं तीनों चीजें, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेक्शन ए का एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी, अब जब हम यहाँ पर पैरामीटर नहीं भी सेंड करेंगे सेक्शन में तो भी हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेलेक्ट हो जाएगी, ए सेलेक्ट हो जाएगी। हम इस कोड को रन कराते हैं, देखते हैं, यहाँ पर देखो राहुल 30 और ए ए रिसीव हो गया, लेकिन सपोज अचानक से किसी एक ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया जिसमें जो सेक्शन सी में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें सेंड करना पड़ेगा, अब हमें सेंड करना पड़ेगा क्या कि वो बच्चा सेक्शन सी में है, तो अब जब ये जाएगा ये सारे पैरामीटर इस फंक्शन में जाएंगे तो अब ये इससे ओवरराइड कर देंगे कि राहुल राहुल नेम में चला जाएगा, एज में 30 और सेक्शन में ए की जगह सी चला जाएगा, तो अब की बार यहाँ पर सेक्शन में क्या होगा, जब यहाँ से सेक्शन पैरामीटर भी सेंड करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन पैरामीटर में क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, तो अब की बार क्या प्रिंट होगा, नेम में राहुल एज में 30 और सेक्शन में सी, ठीक इस तरीके से। तो
इस तरीके से हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर सकते हैं, कोई भी, चाहे इसको भी सेट कर सकते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं, किसी को भी सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 कारों का नाम सेव करना है हमें, 10 कारों की डिटेल सेव करनी है, और सारी की सारी एक ही ब्रांड से है, तो ब्रांड नेम हमेशा क्या डालेंगे, मारुति, मारुति सेट कर दिया डिफॉल्ट, तो बार बार वही चीजें चली जा रही है उसमें फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। क्या है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अच्छा, एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, तीनों चीजें मिक्सअप करके एक बार देखते हैं। जैसे हमने यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, एक है एक्स, एक है जेड और एक है वाई। तो वाई क्या है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया। जेड यहाँ पर क्योंकि हम कीवर्ड से भेज रहे हैं तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया, और एक्स क्या हो गया? पोजिशनल, क्योंकि डायरेक्ट हम वैल्यू भेज रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो अब देखते हैं ये तीनों चीजें एक साथ हम यूज कर सकते हैं, मतलब डिफॉल्ट, पोजिशनल और कीवर्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। रन कराते हैं, रन कर गया। अभी एक काम और करके देखते हैं, या पोजीशन अगर चेंज करेंगे देखेंगे चलता है क्या। जैसे वहां पर नहीं चला था, यहाँ पर भी नहीं चलना चाहिए, मतलब पहले पहले आने चाहिए क्या पोजीशनल, फिर उसके बाद ही कीवर्ड आर्गुमेंट आने चाहिए। यहाँ पर फिर अगेन वही एरर आ गई, पोजीशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक। तो हमेशा ये याद रखना, पोजिशनल आर्गुमेंट पहले आएंगे और कीवर्ड आर्गुमेंट बाद में आएंगे। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन पूछ सकता है? क्या नहीं है कोई कंफ्यूजन? नो सर। साहिल? नो सर। किसी कोई कोई कंफ्यूजन? रुचि, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ा जाए तो फिर ये तो हो गए हमारे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। एक और आर्गुमेंट होता है क्या, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। क्या होता है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक। उसको देखते हैं हम लोग। उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। दो नंबर के सम का एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, डेफ सम। सम एक कीवर्ड है तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दो नंबरों के सम का एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है सिंपल सा, ठीक। यहाँ से 2 जाएगा x में रिसीव होगा, 3 जाएगा y में रिसीव होगा, और प्रिंट हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू। ठीक, ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर 2 नंबरों का सम कर रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यूजर को 3 नंबरों का सम करना हो। तो यहाँ से वो तीसरा पता लगा, उसने पैरामीटर भेज दिया, ठीक है, तीसरा पैरामीटर भेज दिया कि इन तीनों का सम रिटर्न करके दो। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तीसरा भी रिसीव करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर प्लस वेट करना पड़ेगा और 3 नंबरों का सम ये रिटर्न करके दे देगा ये फंक्शन, है ना। अब लेकिन एक और यूजर आया, उससे तो सिर्फ 2 ही नंबरों का सम करना है, सिर्फ 2 ही नंबरों का सम करना है। वो इस फंक्शन को जब कॉल करेगा तो क्या होगा? एरर आएगी। क्यों? क्योंकि 2 तो चला जाएगा एक्स में, 3 चला जाएगा वाई में, लेकिन जेड में क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। यहाँ पर हम इस फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या आएगी? एरर आएगी, ठीक। सम तो 2 नंबरों का भी किया जा सकता है, 3 नंबरों का भी किया जा सकता है, 4 नंबरों का भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट है ये वैरी कर रहे हैं। 2 भी हो सकते हैं आर्गुमेंट, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 20 नंबरों का सम भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर एक
आ रही है क्या कि इस फंक्शन में हम वेरिएबल लेंथ के आर्गुमेंट को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अगर 3 आ रहे तो भी रिसीव हो जाए, 4 आ रहे तो भी रिसीव हो जाए, 10 आ रहे हैं तो भी रिसीव हो जाए, ठीक है। बेसिकली इसको बोला जाता है सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। यहाँ पर जो सिग्नेचर है इस फंक्शन का वो क्या है कि ये 3 आर्गुमेंट रिसीव करेगा। इसका सिग्नेचर क्या है, ये फंक्शन 3 आर्गुमेंट रिसीव करेगा। फंक्शन के सिग्नेचर को बोलते हैं जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट ये रिसीव कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम 3 वेरिएबल सेंड करेंगे तो ये चलेगा, 2 वेरिएबल सेंड करेंगे तो नहीं चलेगा, या 4 सेंड करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी में क्या करते हैं इसके लिए, सॉरी सी प्लस प्लस में तो कैसे करते हैं, हम एक और फंक्शन बना देते हैं ऐसे सम टू नाम का, और यहाँ पर लिख देते हैं एक्स एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं सेम नाम का हम फंक्शन बनाते हैं। जैसे ये सम टू है तो यही सम टू होगा, तो अगर दो तीन तीन नंबर हमें सेंड करने तो इसमें चला जाएगा, 2 नंबर सेंड करने तो इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन फंक्शन ओवरराइडिंग बोला जाता है। मतलब हम इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, इसी सम टू नाम के फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो सम टू है, यहाँ पर भी सम टू है, ठीक है, दोनों, लेकिन इसका सिग्नेचर अलग अलग है। सम टू नाम का फंक्शन ये भी है, सम टू नाम का फंक्शन ये भी है, लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन कुछ अलग है। यहाँ पर 3 आ रहे हैं हमारे पैरामीटर, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि अगर 2 बार फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, फंक्शन ओवर राइडिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन में ये सब करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में एक दे दिया गया है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट दे दिया गया है, जब हमें नहीं पता है कि कितने आर्गुमेंट रिसीव होने वाले हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसको स्टार लगा के मल्टीपल आर्गुमेंट रिसीव कर लेते हैं, स्टार लगा के मल्टीपल आर्गुमेंट रिसीव कर लेते हैं, ठीक। अब इसका आउटपुट पहले देखते हैं लोग, ठीक। होता क्या है कि पहले तो हम पोजिशनल आर्गुमेंट लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट लिखते हैं, फिर जाके हम ये वाले स्टार वाले आर्गुमेंट रिसीव करते हैं, ठीक। स्टार वाले आर्गुमेंट क्या होते हैं अभी देखते हैं। बेसिकली होगा क्या, जब यहाँ से 3 आर्गुमेंट सेंड किए, हम कह रहे हैं 3 नहीं 5 आर्गुमेंट लिख देते हैं, ठीक। होगा क्या कि 2 चला जाएगा किसमें, एक्स में, 3 चला जाएगा वाई में, और इसके अलावा अब जितने भी आर्गुमेंट एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, जेड में। तो जेड एक तरीके की टपल होने वाली है। जेड क्या होती है, एक टपल होती है जिसमें जितने भी एक्स्ट्रा आर्गुमेंट है वो सारे के सारे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 चला जाएगा x में, 3 चला जाएगा y में, और z में क्या चला जाएगा, 5 और सॉरी 5 5 6 इस तरह, ठीक। एक बार स्टार लगा के हम प्रिंट करा रहे, देखते हैं स्टार से होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, 2 3 5 5 6 8 6, 2 3 5 2 2 3 5 8 6, जितने आर्गुमेंट हम सेंड कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। एक बार हम बिना स्टार के लगा के प्रिंट करा रहे हैं, फिर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो पहले क्या मिल रहा है हमें, 2 और 3, फिर क्या मिल रहा है, एक टपल मिल रही है, जितने भी एक्स्ट्रा आर्गुमेंट थे वो किस में चले गए, टपल में चले गए। तो जब 2 नंबर का सम करना हो तो भी यहाँ पर चले जाएंगे, 3 नंबर का सम करना हो तो भी। अब लेकिन सम का कोड हमें खुद से लिखना पड़ेगा, जैसे सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सपोज एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इन सभी नंबरों का सम रखेंगे, ठीक है, इन सभी नंबरों का सम रखेंगे, ठीक। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 2 तो चाहिए, 2 नंबरों का सम तो मिनिमम सम करने के लिए 2 नंबर तो चाहिए, तो ये तो फिक्स हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, एक्स और वाई तो रिक्वायर्ड हो गए, ठीक है। तो अच्छा इसको z ले लेते हैं, ठीक, x z भी नहीं, इसको लेना पड़ेगा a ले लेते हैं, ठीक। इसमें हम a में इन सभी नंबरों का सम स्टोर करेंगे और लास्ट में प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले a में हम क्या जोड़ेंगे, a प्लस इक्वल्स टू x, एक नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है, एक नंबर तो होगा ही होगा, प्लस फिर उसके बाद y करेंगे, ठीक है। ये एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो सपोज इसमें आया था 2, सपोज इसमें आया 2, तो ए में पहले 0 पड़ा हुआ है, 0 प्लस 2 क्या हो गया, 2, अगेन 2 प्लस y, 2 प्लस y क्या होगा, y में क्या गया है, 3,
क्या होगा, फाइव हो जाएगा। अब ए में क्या पड़ा होगा, फाइव। अब उसके बाद हमारी यहाँ पर क्या है, टपल है, तो टपल को इटरेट करके हम लोग एक एक एलिमेंट उठाएंगे और ए में ऐड कर देंगे। इस टपल को इटरेट करेंगे हम लोग, इटरेट कैसे करेंगे, फॉर लूप से इटरेट करके एक एक एलिमेंट इस टपल को उठाएंगे और ए में ऐड करते जाएंगे। हम लिखेंगे फॉर या वाइल से ले लेते हैं, वाइल से, वाइल आई लेस देन लेन ऑफ जेड, लेन ऑफ जेड स्टार, ठीक है, स्टार जेड, जब तक है ऐसा तब तक ए प्लस इक्वल्स टू जेड ऑफ आई और आई प्लस इक्वल्स टू वन, ठीक। तो क्या होगा, आई प्लस टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, कब तक, जब तक Z की लेंथ तक नहीं पहुंच जाते। फिर A में हम ऐड करेंगे क्या, Z of I, Z of I में मतलब सपोज यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 0 इंडेक्स पे क्या है 5, 1 पे 8, फिर 6, फिर 6, तो 0 इंडेक्स, I की वैल्यू 0, यहाँ Z of 0 में क्या होगा 5, A में जो कुछ भी सम होगा उसमें क्या जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, I में एक इंक्रीमेंट करेंगे, वापस से यहाँ जाएंगे, फिर 8 ऐड करेंगे और फिर 6 ऐड करेंगे, तो ए में लास्ट में सम आ जाएगा और उसी को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो अब ये दो नंबर का भी सम करेगा, तीन नंबर का भी, सबका सम करेगा। देखो तो जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो इन्हीं दोनों का सम रिटर्न करके दे देगा, क्यों, क्योंकि उस समय वाइल लूप नहीं चलेगा। एक भी अगर एलिमेंट होगा उसकी लेंथ तक चलेगा और उसका सम रिटर्न करके दे देगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या आया, 24 आया। तो 3 2 5 5 10 8 18 6 24, टोटल 24 था, आउटपुट क्या आया, 24 आया, ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ दो एलिमेंट सेंड करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब दो आर्गुमेंट के साथ, देखते हैं क्या आया, 5 आया। 10 नंबर सेंड करते हैं, ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, क्या आउटपुट आया, 10 आया, ठीक। तो इस तरीके से मल्टीपल आर्गुमेंट हम लोग रिसीव कर लेते हैं। अब यहाँ तक जिससे कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट करूंगा। सर अभी वाली कोडिंग फिर से बताइए ना, कौन सा, सर एडिंग जो किए हैं ऊपर में, अच्छा ये चीज है, एक काम करते हैं, इस कोड को हम डिबग करते हैं, ठीक है, इस कोड को डिबग करते हैं, अभी सब समझ में आएगा। इस फंक्शन में कितने वेरिएबल हम लिखते हैं, x, y, z, a, ठीक। सबसे पहले इस फंक्शन को, सॉरी यहाँ पर हम इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, इस इन आर्गुमेंट के साथ फंक्शन को कॉल करते हैं, तो 2 किस में जाएगा, x में जाएगा, है ना, 3 किस में जाएगा, y में, और बाकी सारे के सारे किस में चले जाएंगे, इसमें। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, 3, 5, 8 और 6, ठीक। A में इनिशियलाइज किया हुआ है 0, A में इनिशियलाइज किया हुआ है 0, ठीक है, 0 कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, A इक्वल्स टू A प्लस X, इस लाइन का मतलब क्या है, इक्वल्स टू A प्लस X है। इसी तरीके से इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस वाई। तो a में अभी क्या पड़ा हुआ है, 0, तो 0 प्लस x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखते चलना, 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पर अपडेट हम कर दे रहे हैं, 2 हो गई, ठीक। अगेन a इक्वल्स टू a प्लस वाई, तो अभी a में क्या पड़ा हुआ है, 2, नीचे देखना 2 पड़ा हुआ है, y में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर रिसीव हुआ है क्या, 3 रिसीव हुआ है, ठीक है, y में देखो 3 है, a में 2 है,
इन दोनों का सम क्या होगा, 5, और वापस से ये में स्टोर करेंगे, तो 5 यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक, अब हम एक लूप चलाएंगे जो कि इस टपल को इटरेट करेगा। क्या करेगा, इस टपल को इटरेट करेगा, एक एक एलिमेंट उठा के हम इस ए में जोड़ते चले जाएंगे। पहले ए में 5 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे। तो हम इस टपल को पहले इटरेट करेंगे, एक एक एलिमेंट फेच करेंगे। उसके लिए हम आई फॉर लूप से भी कर सकते हो, फॉर लूप से भी कर सकते हो, हमने वाइल लूप से किया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर लूप से ही कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो जाएगा तुम लोग के लिए। फॉर आई इन जेड, ए प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जेड से, जेड क्या है, ये जेड से पहला एलिमेंट उठेगा, आई में स्टोर होगा, और ए इक्वल्स टू ए प्लस आई। तो ए में क्या पड़ा हुआ है, 5, और आई में क्या पड़ा हुआ है, 5। आई में क्या होगा, पहले आई 5 जाएगा, ये वाला एलिमेंट जाएगा, तो 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10। ठीक, फिर अगेन यहाँ से जेड से दूसरा एलिमेंट उठेगा, दूसरा एलिमेंट क्या है, 8 है, तो 8 आई में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए इक्वल्स टू ए प्लस आई, तो ए में क्या वैल्यू अभी है, 10 है, आई में क्या वैल्यू है, 8 है, तो 10 प्लस 8 कितना हुआ, 18 हो गया। फिर उसके बाद वापस से नेक्स्ट एलिमेंट उठेगा जेड से, और आई में स्टोर होगा, अब की बार आई में क्या हो गया, 6 हो गया, ए में क्या पड़ा हुआ है, 18। तो ए इक्वल्स टू ए प्लस आई, ए की वैल्यू है 18, आई की वैल्यू है 6, तो क्या हो गया, 24। तो यहाँ पर ए में क्या स्टोर हो जाएगा, 24, प्रिंट क्या हो जाएगा, 24, यही आउटपुट है। कोई कंफ्यूजन अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कीवर्ड यूज करने की कोशिश करते हैं। कीवर्ड देखें हम यूज कर पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, हमने लिखा जेड इक्वल्स टू 6, इसको रन कराते हैं, कीवर्ड हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ एरर आया, सम गॉट एन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट जेड, इस तरीके से एक एरर आई है। तो जब भी हमें कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करने हैं और साथ ही साथ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूज करना है, तो हम उसको कैसे करते हैं, हम उसको डबल स्टार के साथ यूज करते हैं। कैसे, डबल स्टार के साथ, देखते हैं कैसे। हमने लिखा डेफ हम एक्स कोमा वाई कोमा स्टार जेड, जो सिंगल स्टार होता है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के लिए होता है, पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए होता है। जो डबल स्टार होते हैं वो किसके लिए होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए होते हैं। तो बुद्धि ले लिया। ठीक, अब एक बार हम प्रिंट करेंगे सारी चीजें, एक्स कोमा वाई कोमा आर जेड और स्टार जी। ठीक, अब इस फंक्शन को हम एक बार कॉल करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ठीक, फिर अब कीवर्ड सर प्रिंट में आर्गुमेंट यूज करेंगे हम लोग। सॉरी, अब हम कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट सपोज हम दे दे रहे हैं s इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 2, h इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो पहले पोजिशनल आर्गुमेंट आएंगे और कीवर्ड आर्गुमेंट आएंगे। तो होगा क्या, ये तो फिक्स है, x और y तो फिक्स है, पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो शुरू के 2 उठेंगे और इनमें स्टोर हो जाएंगे, मतलब 2 स्टोर हो जाएगा x में, 3 स्टोर हो जाएगा y में। ठीक, उसके बाद जितने बचे हुए पोजिशनल आर्गुमेंट हैं, ये सारे के सारे किसमें रिसीव हो जाएंगे, इसमें रिसीव हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या बचा हमारा, कीवर्ड आर्गुमेंट, ये सारे के सारे कीवर्ड आर्गुमेंट किसमें रिसीव हो जाएंगे, इसमें रिसीव हो जाएंगे। z बना था टपल,
जी बनेगा डिक्शनरी, जी बनेगा क्या, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होगा, ये बन जाएगा की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। ठीक, रन कराते हैं, समझ में आएगा अपने आप। सर कैलकुलेशन के लिए नहीं दिया ना, क्या कैलकुलेशन के लिए, ये अभी क्या आउटपुट लेंगे सर? प्रिंट दे रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं अभी, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। सही तो लिखा कुछ एस इक्वल्स टू वन, डी इक्वल्स टू टू। एक मिनट, अच्छा ये देखो, सबसे पहले टू प्रिंट हुआ, थ्री प्रिंट हुआ, मतलब एक्स और वाई प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारी क्या प्रिंट हुई, टपल प्रिंट हुई है। टपल में कितने हमारे जितने भी कीवर्ड आर्गुमेंट है वो प्रिंट हुए हैं, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ है, डिक्शनरी। तो ये एस बन गया की, यहाँ पर एस की वन वैल्यू, डी की टू वैल्यू, एच की फाइव वैल्यू, S1P2H5। ठीक, तो इस तरीके से अगर कहीं जरूरत है हमारी कीवर्ड और नॉन की पोजिशनल आर्गुमेंट, वो भी वेरिएबल लेंथ के, जब हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक, अब इसी में अगर मान लो किस तरीके से इक्वल्स टू डिक्शनरी रिप्रेजेंट नहीं की थी, ये डिक्शनरी नहीं है, यहाँ पर हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ये डिक्शनरी नहीं है। डिक्शनरी यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर जाके बन जा रहा है, ये चीजें यहाँ पर जाके डिक्शनरी बन रहा है, यहाँ डिक्शनरी नहीं, ये डिक्शनरी नहीं पास कर रहे, ये हम कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि हम कीवर्ड आर्गुमेंट भी रिसीव करना चाहते हैं, वो भी वेरिएबल लेंथ के, जैसे पोजिशनल आर्गुमेंट थे तो वो यहाँ पर रिसीव हो जा रहे थे, लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट इसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट में नाम होता है ना, हर एक वेरिएबल का नाम होता है, तो वो तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, इसमें सिर्फ वैल्यू हो पाएंगी। तो नाम और वैल्यू दोनों चीज चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है जिसमें वेरिएबल नाम, वेरिएबल नेम है और वैल्यू है। ठीक, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर डिक्शनरी कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर डिक्शनरी कन्वर्जन हो रहा है एग्जैक्टली, ये डिक्शनरी नहीं, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी पूछ सकते हो? ये हमारे हो गए सारे के सारे क्या आर्गुमेंट, इस तरीके से हम आर्गुमेंट पासिंग करते हैं। अब एक काम करो, इन सबके जरा क्वेश्चन के आंसर बताते चलो हमें। हमने एक प्रिंट इन्फो नाम का फंक्शन बनाया जिसमें आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू दो पोजिशनल हो गए, और एक स्टार लगा के वेरिएबल नेम लिखा हुआ, तो मतलब ये वेरिएबल लेंथ की आर्गुमेंट रिसीव करेगा। उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू और ये टपल प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आर्गुमेंट वन प्लस आर्गुमेंट टू कर दे रहे हैं, एक्स में स्टोर करा रहे हैं, फिर ये जो टपल है इसके एक एक एलिमेंट को इटरेट करके हम इसी में सम करके लिख रहे हैं। तो ये फाइनली कोड किसका लिखा हुआ है, जितने भी नंबर हम यहाँ पर सेंड करेंगे उन सबका सम रिटर्न करके देगा ये। ठीक, इसने क्या रिटर्न किया, 22। ये भी वही कोड है, सेम कोड है, इस चीज को भी हम बता चुके हैं। उस कोड के फिर आंसर तो देखते देखते
अच्छा एक काम करो, अभी कितने लोग लैपटॉप पे हो, कितने लोग मोबाइल से देख रहे हैं? एक एक फंक्शन लिखो सब लोग, जिसमें ये जो हमने अभी कोड किया था डिक्शनरी वाला, ठीक है, डिक्शनरी वाला हमें चाहिए, जितने भी चाहे पोजिशनल आर्गुमेंट हो चाहे कीवर्ड आर्गुमेंट हो, सारे के सारे एलिमेंट का हमें सम चाहिए, जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1 + 2 + 5। इन सबका अगर हमें सम चाहिए तो कोड कैसे लिखेंगे? 5 मिनट दे रहे हैं, सब लोग कोड करो और स्क्रीन प्रेजेंट करो, यहाँ देखते हैं। कर रहे हो? सर पाइथन ओपन, एनाकोंडा भी ओपन ही नहीं है, करना होगा अरे वो आईडी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट। हाँ वही कर रहे हैं सर, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पर जितने भी चाहे पोजिशनल आर्गुमेंट हो, चाहे कीवर्ड आर्गुमेंट हो, चाहे वेरिएबल लेंथ के पोजिशनल आर्गुमेंट हो, चाहे वेरिएबल लेंथ के कीवर्ड आर्गुमेंट हो, सबका सम हमें चाहिए, जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1 + 2 + 5, इन सबका सम हमें चाहिए, किसी का नहीं हुआ अभी। नो नो सर, नहीं हो रहा है सर, मेरे से नहीं हो रहा। स्क्रीन डिस्प्ले करो, आगन करो। एक मिनट सर। सर दिख रहा है क्या? हेलो, नहीं, सेलेक्ट करके फिर से करो, आया होगा एक स्क्रीन आया होगा, उस पर क्लिक करो और फिर हाँ सर कर रहा हूँ। शेयर की बटन आ रही होगी वहाँ पर। नहीं हो रहा है सर। एनी डेस्क पे दो, एनी डेस्क हेलो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट हो गया था। स्पाइडर ओपन करो, सर ऑनलाइन कंपाइलर था वैसे। सर ऑनलाइन से कर लेते ना, ऑनलाइन कंपाइलर से। यहाँ पे मैंने लिखा था, इसके बाद मेरे समझ में नहीं आया क्या करना।
अच्छा एक काम करो, पॉज करो, बहुत आवाज हो रही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि सी ने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम z के जितने भी एलिमेंट उनका सम हमें इसमें स्टोर करना है, तो एक काम करेंगे, एक फंक्शन होता है सम नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, सम नाम का फंक्शन होता है जो किसी टपल या लिस्ट का सम रिटर्न करके देता है, टपल या लिस्ट का सम रिटर्न। हेलो हेलो, हाँ तो सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। इसको इस कोड को हम लोग कैसे करेंगे कि अगर स्क्रीन तो शेयर तो दिखा रहा है, यस सर शेयर हो रहा, फिर से कर देगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले थे, अब दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। हाँ तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी आर्गुमेंट रिसीव हो रहे हैं सबका सम करना चाहते हैं, चाहे वो पोजिशनल आर्गुमेंट हो, चाहे वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट हो, चाहे वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट हो, सबका सम। ठीक, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले x और y को ऐड करके c में स्टोर कर देंगे, साथ ही साथ ये जो z है, z एक तरीके की टपल है, तो टपल का या लिस्ट का अगर हमें सम करना होता है तो उसके लिए एक सम फंक्शन प्री डिफाइंड है पाइथन में, तो उसको हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन वो फंक्शन डिक्शनरी में काम नहीं करता है। ठीक, तो हमने लिखा x प्लस वाई प्लस सम ऑफ z, सम ऑफ z करेंगे तो टपल में जो ये एलिमेंट गए रहेंगे इन सब का सम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस डिक्शनरी का भी सम हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिक्शनरी को इटरेट करेंगे, कैसे, फॉर आई इन जी, अब एक एक की, एक एक की मतलब s d और h उठ उठ के जाता रहेगा किसमें, i में, और यहाँ पर उसी आई के थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे क्या ये वैल्यू, तो हम लिखेंगे क्या सी प्लस इक्वल्स टू, मतलब सी में जो कुछ भी है उसमें और क्या ऐड करेंगे, सी प्लस इक्वल्स टू जी ऑफ आई, आई में क्या आ जाएगा, की जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ जी ऑफ एस जाएगा, जी ऑफ एस में वन पड़ा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से उठ के डी जाएगा, ये डी जाएगा, फिर जी ऑफ डी, जी ऑफ डी में क्या पड़ा होगा, टू पड़ा होगा, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, फिर उसी तरीके से एच के लिए हो जाएगा। देखते हैं इसका आउटपुट, प्रिंट तो किया नहीं हमने, प्रिंट भी कर देते हैं। T3, ठीक है, तो इसने सबका सम हमें रिटर्न करके दे दिया। ठीक, बस इस सम फंक्शन का यूज हम लिस्ट के सम के लिए या टपल के सम के लिए करते हैं, तो यहाँ टपल के सम के लिए हमने ये यूज कर लिया, फिर उसके बाद डिक्शनरी का सम हमें चाहिए, डिक्शनरी के एलिमेंट का सम चाहिए, तो उसके लिए एक एक इटरेट कर करके एलिमेंट इटरेट कर करके सी में ऐड करते जाएंगे, बस यही हमने किया हुआ है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सारे टाइप ऑफ आर्गूमेंट। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये सब सारी चीजें होंगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक लैम्डा फंक्शन होता है, क्या चीज, लैम्डा फंक्शन, ये लैम्डा फंक्शन पढ़ा के हम लोग आज खत्म कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे। एनोनिमस फंक्शन होता है, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है जो हमने नोट्स सेंड किया, एक बार ओपन करोगे। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर आ रही है। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसकी कोई आईडी नहीं होती, क्या नहीं होती है, आईडी नहीं होती, उसका कोई नाम नहीं होता है, एनोनिम जो लैम्डा फंक्शन होता है उसका कोई नाम नहीं होता है। दूसरी चीज, लैम्डा फंक्शन एक सिंगल लाइन फंक्शन होता है, क्या होता है, सिंगल लाइन फंक्शन होता है, लैम्डा फंक्शन सिंगल लाइन फंक्शन होता है और एक तरीके का एनोनिमस फंक्शन होता है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है देखते हैं, सबसे पहले तो हम लैम्डा फंक्शन को
डिफाइन कैसे करते हैं, लैम्डा कीवर्ड से। तो लैम्डा लैम्डा हम लोग लिखेंगे। अब इस फंक्शन में जितने आर्गुमेंट रिसीव हो रहे हैं उन आर्गुमेंट को लिखेंगे। सपोज एक्स और वाई रिसीव हो रहा है, ठीक है, और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी है, तो यहाँ पर सपोज हमने लिख दिया स्टार जेड, ठीक। अब कोलन लगाएंगे और इसी लाइन में हम लिखेंगे कि हम इस फंक्शन के साथ क्या कराना चाहते हैं। ये याद रखना, ये सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े कोड नहीं लिखे जाते हैं। लैम्डा फंक्शन सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं, ठीक, बड़े बड़े कोड इसमें नहीं लिखे जाते हैं। अगर सिंगल लाइन में कोई काम करना है तो ही हम ऐसे लैम्डा फंक्शन लिखते हैं। तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन से एग्जीक्यूशन, लैम्डा फंक्शन का एग्जीक्यूशन ऑर्डिनरी फंक्शन से फास्ट होता है, इस वजह से इसको हम यूज करते हैं। हम ऑर्डिनरी फंक्शन भी लिख सकते हैं एक लाइन में, लेकिन लैम्डा फंक्शन का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी फंक्शन, ठीक। अब हम चाहते हैं इन सबका सम हम रिटर्न कराना चाहते हैं, तो रिटर्न या प्रिंट ही कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट प्रिंट एक्स प्लस वाई प्लस सम ऑफ जेड, ठीक। ये हमने फंक्शन लिख दिया, लेकिन अब क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो इसको हम कॉल कैसे करेंगे। इसको कॉल करने के लिए हमें इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल सपोज जी नाम का एक वेरिएबल ले ले रहे हैं, इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर ले रहे हैं किसमें, जी में। तो बस अब जी जी के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉलिंग करेंगे, जी के थ्रू इस फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, जी एक्स कॉमा वाई, सॉरी वैल्यू पास करनी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हम इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक। इसको रन कराते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है आंसर, 44, ठीक। तो यहाँ से पहले इसमें आर्गुमेंट जाएंगे, इन सब का सम यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग रिटर्न भी कर सकते हो। Like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.